आज मैं आम के अचार की एक झटपट बनने वाली इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम सबसे पहले तो आम के पीसेस को 2 से 3 घंटों की धूप दिखाएंगे और फिर उन्हें हल्दी लगाकर रेस्ट पे रख देंगे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, बस 15 से 20 मिनट तक हल्दी लगा कर रख देना है और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे सरसों के तेल में। और कोशिश करें कि पहले बहुत ज़्यादा तेल ना लेने कढ़ाई में, क्योंकि कई बार लोग प्रेफर नहीं करते जो यूज़ किया हुआ ऑयल रहता है ना पहले से। जैसे ये ऑयल अगर बच जाए तो फिर बाद में यूज़ करने में थोड़ा मन को रहता है कि यूज़ करें या ना करें, तो इसीलिए थोड़ा तेल लें और उस थोड़े तेल में थोड़े थोड़े पीसेस डालकर फ्राई करते रहें ताकि ज़्यादा तेल वेस्ट ना हो। और जब आम का सीज़न रहता है ना, तो जो अचार वाले आम होते हैं वो मार्केट में कटे कटाए ही बिक रहे होते हैं, इसलिए घर पर आम लाकर उन्हें काटने की बजाय मार्केट से ही कटा हुआ आम ले आएँ, वो फिर ईजी रहता है उससे अचार बनाना। जब आम के सारे पीसेस फ्राई हो जाएँ तो हम इनमें डालेंगे मसाला। तो मैंने पहले ही एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लिया है और ठंडा भी कर लिया है, उसमें बाकी मसाले डाल देने हैं, जैसे कि जो भी आम मतलब अचार के मसाले रहते हैं, जैसे जीरा हो, अजवाइन हो, मेथी हो, कलौंजी हो, हल्दी, नमक, मिर्ची, हींग, आप जो भी मसाले डालते हैं अचार में वो इस तेल में डालकर तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब सारे मसाले तेल में आ जाएं। और फिर इसी में हम डाल देंगे फ्राई किए हुए आम के पीसेस। तो एक तरीके से वैसे अचार तैयार हो चुका है खाने के लिए। आप अच्छे से मसालों में आम को मिक्स कीजिए, बॉटल में भर के रख लीजिए। बस एक ही दिन में तैयार हो गया। थोड़ी धूप दिखाई, थोड़ा इन्हें वक्त फ्राई करने में लगा और थोड़े देर में मसाले मिक्स हो गए और तैयार आपका अचार। लेकिन मैं थोड़ा सा अचार अलग निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे खट्टा और मीठा दोनों तरीके का अचार बनाना है। तो थोड़ा सा मतलब बहुत कम अचार मैं अलग निकाल रही हूँ टिफ़िन में, ताकि जो बाकी अचार बच जाए मैं उसमें मिठास ऐड कर सकूँ। और मिठास डालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शक्कर का। शक्कर कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं अगर आप ही इस तरीके से मीठा अचार भी बनाना चाहते हों। तो लीजिए, बन चुका है खट्टा और मीठा इंस्टेंट आम का अचार। आप इसे परांठे, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। तो फिर यही था मेरा आज का वीडियो आम के अचार के ऊपर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।